दोस्तों फाइनली हमने बड़ी ही मशक्कत से और लोन वोन लेकर और ईएमआई पर और किस्तें देकर हमने ले लिया है नया इलाइट पास। और इस इलाइट पास का नाम पता नहीं क्या है, मेमोराइजिंग करके कुछ है। तो अगर आपके पास भी इलाइट पास है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज मैं अपने सारे इलाइट पास की चीज़ों को क्लेम करने वाला हूँ, आप भी देख लीजिए कि इस इलाइट पास में क्या क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लड़की वाला बंडल जो हमने ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं उसके आगे से हम आपको दिखाते हैं। तो हमने पेट का फूड अब हमें मिल रहा है क्लेम करने को, वो क्लेम कर लेते हैं। और मिल रहे हैं सब फालतू की चीज़ें, अभी तो बेकार चीज़ें हैं, देखते कुछ खास हमें मिलता है कि नहीं। ये पता नहीं कौन सा कार्ड है। और ये चीज़ें गन ही नहीं है, ईवो गन्स, तो उसका अपग्रेडर मिल रहे हैं। और स्पैस की स्किन तो अच्छी लगी मुझे। और देखते हैं, अरे यार ये बकवास चीज़ें, मैप सप्लाई और ये है रॉयल वाउचर। चलिए पेट का फूड ये भी बेकार है। हाँ ये कुछ काम का बैग की स्किन है शायद, ये बैग की स्किन मिली है, चलो सैक है, इसको सैक कह रहे हैं लोग। और फिर फालतू की चीज़ें हैं और मैं इसकी वॉइस को कम कर देता हूँ। चलिए चलिए दोबारा से क्लेम करते हैं। सो हाँ यहाँ से तो ये मिल गया, और ये पीछे का बैनर मिल गया है, और ये क्या चीज़ है, कुछ फालतू की चीज़। और ये M249 की स्किन मिली है, वो अच्छी लगी मुझे, ये भी बैनर जैसा कुछ। और ये वाला इमोट महंगा वाला जिसको मैं इक्विप नहीं कर पाया अभी, और ये कौन सा कार्ड पता नहीं। और ये सर्फ बोर्ड मिला है, आप देख सकते हैं कितना गजब का लग रहा है, इसे भी इक्विप कर लेते हैं। और ये कौन सा है, ये मैप सप्लाई क्या है, ये सब चीज़ें पैट पैट वैट के फूड डाल रहे हैं लोग महंगे लाइट पास में। और ये है काम की चीज़, गन निकालने बड़े काम आएगी, क्या कहते हैं पता नहीं, इवोल्यूशन स्टोन कहते हैं हाँ। और ये चीज़ मिल रही है रेड कलर की, पता नहीं क्या है इसका काम। सो दोस्तों अभी बाकी सारी चीज़ें अनलॉक है, इनको खोलने के लिए हमें जल्दी से बैजेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो हम लोग चलते हैं, चलिए बैजेस को क्लेम करते हैं। तो पहले हमें ये वाले क्लेम वीकली वालों को क्लेम कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें अभी अनलॉक थी लेकिन लाइट पास के बाद ये अनलॉक हो गई हैं, तो मेरे पास अब इतने सारे बैजेस हो जाएंगे कि लगभग में सारी चीज़ें अब अनलॉक हो जाएंगी मेरी। तो मैंने सारे बैजेस को क्लेम कर लिया है, अब चलते हैं दोबारा से इन चीज़ों को क्लेम करने। अब हमें मिल गया है ये क्या चीज़ कहते हैं इसे, चलिए इसको भी क्लेम कर देते हैं, लूट बॉक्स है शायद वो, हाँ लूट बॉक्स को भी क्लेम कर लिया, यूनिवर्सल कार्ड, बॉनफायर, और ये लड़के वाला बंडल। ये वाला बंडल ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे, थोड़ा सा लड़कियों जैसा लग रहा है, तो लड़कियों के कपड़े जैसा, तो फिर ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसमें। और देखते हैं, और इसमें कुछ नहीं निकला, ज़्यादा कुछ खास नहीं, ऊपर की चीज़ें हैं वो सब फालतू की। तो इस वाले बंडल में बस ये सब सारी चीज़ें थी जिसको मैंने आपके सबके सामने क्लेम करके दिखाया। और ऊपर की तरफ ये रॉयल वाउचर कार्ड और ये पैराशूट मिल रहा है, चलो ठीक है। और ये सब ईवो गन्स को अपग्रेड करने वाली चीज़ें शायद, और ये रॉयल गोल्ड वाउचर, बाकी सारी नीच चीज़ें नॉर्मल सी हैं। बस जो खास मुझे लगा वो है ये इमोट, ये वाला इमोट अब तक का मुझे सबसे ज़्यादा देर तक करने वाला इमोट लग रहा है, मतलब ज़्यादा देर तक कर पा रहा है ये इमोट चल रहा है जो। और भी चीज़ें मैं देखता हूँ क्लेम करने को, कुछ कुछ खास खास चीज़ें आज मिल रही हैं, तो देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या आया है। तो हमारे पास देख सकते हैं M249 की ये गजब की स्किन आ गई है, चलिए हमारे पास थी भी नहीं। और देखते हैं क्या क्या मिला, एक स्पैस की गन मिली है शायद हाँ, और ये M4A1 बेकार है, ये तो नहीं मिला, तो कुछ और है। और शायद गन में सिर्फ दो चीज़ें मिली थी हमें, स्पैस की और M249 की गन। और ये मेल में शायद कुछ क्लेम करने को मिल रहा है, ये क्या फालतू का मुझे लगा, वो कुछ डायमंड वायमंड क्लेम करने को मिलेगा, तो कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं स्टोर में क्या आया हुआ है, कुछ खास नहीं, ये फालतू का चीज़ें क्लेम कर लेते हैं। और भी चीज़ें हैं हमारे पास, तो देखते हैं क्या क्या हमारे पास नई नई चीज़ें आई हैं। तो वॉल्ट में हमारे पास रेगुलेशन स्टोन अब 5 हो चुके हैं, बस हमें एक ब्लू प्रिंट चाहिए, तो हमारे पास एक अच्छी खासी गन हो पाएगी। और आप देख सकते हैं वॉल्ट में कुछ भी खास नहीं निकला, और बस यही है ये वाला लाइट पास। और कैरेक्टर आप देख सकते हैं मेरे पास कौन सा है। तो चलिए आज की वीडियो, अरे रुको 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 भाई, अच्छा हाँ ये गाड़ी की स्किन निकली है, ये बाइक की स्किन आप देख सकते हैं लाइट पास की निकली है हुई है, और क्या निकला भाई बताओ जल्दी। और ये बैक की स्किन, हाँ बैक स्किन हम बदल लेते हैं, इक्विप कर लेते हैं।
लूट बॉक्स इक्विप, और ये तो है ही है इक्विप, सर्फ बोर्ड, अपना पैराशूट भी चेंज कर लेते हैं, सारी चीज़ें लाइट पास होने वाली होनी चाहिए। बैनर्स को भी हम जल्दी से कर लेते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में।